भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष 30 और 31 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा बंधन या रिश्ता जो रक्षा सूत्र में बंधा हो। रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी के बदले भाई बहन की रक्षा का वचन लेता है, बहन की हर परेशानी में सहायता करने, उसके सुख दुख में साथ देने का काम एक भाई ही करता है। हालांकि आज के दौर में रक्षा का मतलब बहन पर प्रतिबंध लगाना, उन्हें रोकना टोकना, घर से बाहर अकेले जाने से मना करना, कपड़ों को लेकर रोक टोक करने मात्र से है। लेकिन हर भाई को राखी का फर्ज निभाते हुए बहन की रक्षा के लिए कुछ और तरीकों को अपनाना चाहिए। इस राखी के पर्व से हर भाई को बहन के लिए इन 5 कामों को करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनके बीच का रिश्ता मजबूत हो सके और भाई की गैर मौजूदगी में भी बहन सुरक्षित रह सके। पहला, बहन को सिखाए आत्मरक्षा के गुण। हर लड़की को आत्मरक्षा के गुण आने चाहिए। हर समय भाई बहन के साथ नहीं रह सकता है। स्कूल कॉलेज से दफ्तर जाने और शादी के बाद ससुराल जाने पर बहन अपने भाई से दूर हो जाती है। ऐसे मौके पर बहन को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, इसलिए भाई बहन को आत्मरक्षा के बारे में सिखाएं। बहनों का दाखिला कराटे बॉक्सिंग क्लास में कराएं, ताकि वह किसी अजनबी खतरे से बच सके। दूसरा, बहन का बढ़ाए आत्मविश्वास। अक्सर लड़कियां बाहर जाने, दूसरों के सामने खुलकर अपने विचार रखने या कई छोटी बड़ी चीज़ों से डर जाती है। इसका कारण होता है कि उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। लड़कियां शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो सकती है, लेकिन हर भाई को अपनी बहन को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के साथ ही मानसिक तौर पर भी बलवान बनाने की ज़रूरत होती है। बहन का आत्मविश्वास बढ़ाएं, उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। बहन को अकेले बाहर जाने दें, उन्हें अपने काम खुद करने दें, बाहरी लोगों से मिलने जुलने दें, ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। तीसरा, फैसले में दें बहन का साथ। अधिकतर लड़कियों के जीवन के फैसले पहले पिता या भाई और शादी के बाद पति लेते हैं। लड़की को क्या पहनना है, कहाँ और क्या पढ़ना है, नौकरी और फिर शादी तक के हर बड़े फैसले में उनसे अधिक माता पिता का हस्तक्षेप होता है। रक्षा का वचन देने वाले भाइयों को बहन के अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। बहन के जीवन के फैसले उसे खुद लेने दें, उन्हें फैसले लेना सिखाएं और उनके फैसलों में साथ दें, ताकि जब आप उनके पास ना हो तब भी वह निडरता से अपने जीवन को किस राह ले जाना है यह खुद तय कर सके। चौथा, बहन को रोके टोके नहीं। हर भाई को अपनी बहन की चिंता होती है। समाज से बहन को बचाने के लिए अक्सर भाई उन पर रोक टोक लगाते हैं। इससे आप बहन की रक्षा नहीं करते, बल्कि उसे कैद करते हैं। बहन अकेले बाहर नहीं जा सकती, देर से घर नहीं आ सकती, अपने मन मुताबिक दोस्त नहीं बना सकती, दुपट्टा के बिना या अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन सकती, क्योंकि उन्हें इससे खतरा हो सकता है। इस तरह की सोच से निकलें। बहनों की रक्षा के लिए उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाना गलत है। पांचवा, बहन को बनाए आत्मनिर्भर। हर भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को आत्मनिर्भर बनाए। पिता, भाई या पति पर निर्भर रहने के बजाय जीवन में खुद के पैरों पर खड़े रहने की सीख दें। जैसे अगर बहन कॉलेज या दफ्तर जाने के लिए आप पर निर्भर है, तो उसे स्कूटी या कार ड्राइव करना सिखाएं और अकेले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। बहन अगर घर पर माँ के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाती है, तो उसे पढ़ाई और नौकरी के लिए प्रोत्साहित करें। आर्थिक तौर पर भी बहन को आत्मनिर्भर बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने बहन का ख्याल रखिए। राधे राधे।